आप सभी को मेरी और मार्केट टाइम्स टीवी की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जानेंगे कि आज दीपावली के शुभ अवसर पर कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता हुआ नजर आ रहा है और इस दिवाली कौन सी कम्युनिटी आपको बोनस दिला के चल सकती है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करें हम यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज में सोने और चांदी से। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि सोना इस वक्त $1782 पर और चांदी $23.4 पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि आज सोना और चांदी जो है इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट के अंदर एक लाल निशान पर कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल अब ये जो फेडरल रिजर्व बैंक की जो बैठक होने वाली है उसकी वजह से सोने चांदी की कीमतों पर एक दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि कई जो फेडरल रिजर्व बैंक है वो कहीं सोने और चांदी की जो ब्याज दरें हैं उन पर कोई फैसला न ले ले और सोने चांदी के साथ जो अन्य ब्याज दरें होती हैं जिनके ऊपर ये फैसला ले जा सकता है कहीं उनमें गड़बड़ ना हो जाए, इसकी वजह से आज सोने चांदी में जो है एक हल्का नरमी वाला दबाव देखने को मिल रहा है। बात करें यहाँ से अगर कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल में देख रहे हैं कि WTI इस वक्त $82 पर 1.5% की गिरावट के साथ और ब्रांड क्रूड ऑयल 1% की गिरावट के साथ $83 पर कारोबार करते हुए नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि आज कच्चे तेल का जो वायदा बाजार है वहाँ पे एक नरमी के साथ रुझान देखने को मिल रहा है, नरमी के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है आज दिवाली के शुभ अवसर पर। दरअसल अमेरिका के अंदर आने वाले सप्ताह में जो इन्वेंट्रीज हैं वो बढ़ने का अनुमान है कि वहाँ पे इन्वेंट्रीज पहले जो कम बताई जा रही थी उनमें कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और दूसरा 4 नवंबर को ओपेक की बैठक होने वाली है जिसकी वजह से भी जो कच्चा तेल है उसमें एक हल्का नरमी वाला दबाव देखने को मिल रहा है, नरमी वाला लाल निशान के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है। अभी जैसे ही ओपेक की बैठक होगी उसके बाद जो डिसीजंस आएंगे उन पर भी डिपेंड करेगा कि कच्चे तेल में आगे रुझान कैसा रहने वाला है, क्योंकि हमने देखा है कि कच्चे तेल की जो डिमांड है वो ज़्यादा है और सप्लाई उतनी की उतनी है। तो डिमांड ज़्यादा और सप्लाई होने की वजह से हमने कच्चे तेल की कीमतों को ऊपर में $86 तक भी जाते हुए देखा था, लेकिन फिर उसके बाद कच्चे तेल की जो कीमतें हैं उनमें एक नरमी बनती हुई नज़र आ रही है जो कि ओपेक की बैठक से पहले बनती नज़र आ रही है। लेकिन ओपेक की बैठक के बाद जो डिसीजंस हैं वो सही हो जाएंगे, जो क्लियरेंस आएगी एक कि आगे जाके कैसा रुझान देखने को मिल सकता है, फिर कच्चे तेल में देखेंगे कि आगे तेजी रहेगी या मंदी। बात करें अगर बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में हमने देखा है कि कॉपर में एक नरमी वाला रुझान देखने को मिला है और आज देख रहे हैं कि $4.3 पर कारोबार कर रहा है कॉपर, और MCX जिंक हल्की सी बढ़त के साथ 283 पर है, MCX निकल पर 1510 और MCX लेड $187 पर। देख रहे हैं कि आज बेस मेटल्स का वायदा बाजार एक मिले जुले रुझान के साथ कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन जानकारों का यही मानना है कि आने वाले साल यानी नए दो साल 2022 में बेस मेटल्स की जो डिमांड है वो बढ़ेगी और बेस मेटल्स में भी शानदार तेजी बनती हुई नज़र आएगी। बात करें अगर ओवरऑल आउटलुक की, तो साल 2022 में बेस मेटल्स में बढ़त देखने को मिल सकती है जिसकी वजह से सिल्वर यानी चांदी का भी जो बाज़ार है वो भी कहीं ना कहीं उठता हुआ नज़र आएगा और गोल्ड में भी एक हल्की बढ़त देखने को मिलेगी, लेकिन इसके लिए भी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आज किस नॉन एग्री कम्युनिटी में क्या करके चलना सही रहेगा दिवाली के शुभ अवसर पर, आइए जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी बहुत बहुत स्वागत है आप हमारे टाइम सीवी पर। जी शुक्रिया। रूपा जी आपको क्या लगता है दिवाली के शुभ अवसर पर नॉन एग्री कम्युनिटीज़ में कैसा रुझान देखने को मिलेगा और वो कौन सी नॉन एग्री कम्युनिटीज़ होंगी जिनमें आगे भी आने वाले साल में भी अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए अगर नॉन एग्री कमोडिटीज़ की बात करें और नॉन एग्री कमोडिटीज़ के अंदर सोने और चांदी के ऊपर अगर ध्यान दें तो सोने और चांदी के अंदर मुझे लगता है कि जिस तरीके से सोने ने पिछले साल 28% का रिटर्न, 25% का ऐसा ही रिटर्न अभी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इस साल भी सोने के अंदर देखने को मिल सकता है। तो दिवाली के मौके को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि अगर एक साल का होरिजन लेकर चला जाए तो सोने और चांदी के अंदर खरीदारी आने वाले एक साल के अंदर मुनाफा देती हुई दिखाई दे सकती है। जी रूपा जी, 4 नवंबर को ओपेक की बैठक होने वाली, आपको क्या लगता है क्या सप्लाई को लेकर कोई फैसला लिया जा सकता है जिस हिसाब से डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम है? देखिए बिल्कुल 4 नवंबर को जो बैठक होने वाली है ओपेक देशों की उसके ऊपर काफ़ी नज़रें रहेंगी और जैसा कि उम्मीद किया जा रहा है कि प्रोडक्शन कट को लेकर उसके ऊपर बात हो सकती है।
अभी उम्मीद है, लेकिन उसके ऊपर क्या निकल कर आती है, क्योंकि यूएस राष्ट्रपति ने भी G20 एनर्जी देशों से उत्पादन बढ़ाने की अपील की है, और ताकि जो ये डिमांड है इसको मीट किया जा सके और प्राइसेस को नीचे लाया जा सके। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि प्रोडक्शन बढ़ता है, और बढ़ता है तो कितना बढ़ता है, ये भी इस काफी उसके ऊपर रहेगा। लेकिन हाल फिलहाल में कच्चे तेल की कीमतें आज भी इंट्राडे में थोड़ा सा दबाव जरूर दिखाती हुई दिखाई दे रही है, ऊपरी स्तरों से फिसली है। विदेशी बाजारों की बात करें तो उसके अंदर भी ऊपरी स्तरों से एक बार दबाव देखने को मिला है, और मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत प्रेशर जो है हो सकता है कि इसके चलते बना रहे, क्योंकि अभी इन्वेस्टर्स की नजर जो है इसी ओपेक की मीटिंग पर है कि 4 तारीख को यानी कि कल होने वाली बैठक में क्या नतीजा निकल कर आता है। उससे पहले क्रूड डोमेस्टिक मार्केट में भी 1% से ज्यादा लुढ़का हुआ, और विदेशी बाजारों में भी गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में ये मानकर चलिए कि अभी थोड़ा सा दूरी बनाकर रखना चाहिए, और डिप पे देखिए अगर प्रोडक्शन कट को लेकर सहमति नहीं बनती है और या फिर कोई एक अच्छा अपडेट नहीं निकल कर आता तो क्रूड में एक बार फिर से तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है, और वापस से क्रूड जो है $85-86 के ऊपर जाता हुआ WTI दिखाई दे सकता है, और ब्रेंट भी हो सकता है आपको नया हाई लगता हुआ दिखाई दे। लेकिन उससे पहले दबाव है, और आज इंट्राडे में ये दबाव बना रह सकता है। ऊपर में अगर देखा जाए तो क्रूड नीचे में 6120 तक लुढ़क सकता है डोमेस्टिक मार्केट के अंदर। तो फिलहाल आज शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी बिकवाली की ले सकते हैं, लेकिन कल के बाद जो है नई स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, और उसके प्रोडक्शन के ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा। अगर नहीं बढ़ता है तो वापस से खरीदारी की तरफ रिश्ते बनाकर चला जा सकता है। जी ये सर ऊपर जी बात करें अगर बेस मेटल्स की, तो हमने भी देखा है कि इस साल जब बजट आया था 1 फरवरी 2021 को, तो सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर ज्यादा डिपेंडेंसी करने की बात कही थी, और उस पर सरकार काम भी कर रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है, अगर इलेक्ट्रिकल आइटम्स पर डिपेंडेंसी ज़्यादा बढ़ती है, इनका कंजप्शन ज़्यादा होता है, तो बेस मेटल्स का आउटलुक कैसा देखने को मिलेगा? क्या इसका इम्पैक्ट बेस मेटल्स में की कीमतों में तेजी के तौर पर देखने को मिल पाएगा? और अगर बेस मेटल्स की कीमतों में तेजी आती है और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का कंजप्शन ज़्यादा होता है, तो क्या उसका असर सिल्वर की भी कीमतों पर देखने को मिलेगा? देखिए बिल्कुल, अगर देखिए इन सब चीजों का प्रोडक्शन बढ़ता है तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट जो है इन सभी कमोडिटीज के ऊपर आता हुआ हमें दिखाई दे सकता है, बेस मेटल्स के ऊपर भी और चांदी के ऊपर भी। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से इकोनॉमी एक बार फिर से रिवाइव होनी शुरू हुई है, उसके बाद से लगातार बेस मेटल्स की कीमतें नए हाई छूती हुई नजर आई हैं, और अभी भी बाजारों के अंदर अगर ऐसा कुछ और मतलब प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट होता है तो डेफिनेटली इनकी डिमांड बढ़ती हुई दिखाई देगी और कीमतों के अंदर एक तेजी बन सकती है। इसलिए मैंने हमेशा यही बोला है कि बेस मेटल्स के अंदर सेलिंग में कम रहा जाए। अगर किसी को सेलिंग करना भी है तो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी आप लेकर चल सकते हैं कि जब बाजारों में ट्रेंड थोड़ा बहुत वीक दिख रहा है या ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है तब आप इक्वाली कर सकते हैं, अदरवाइज वहां पर निचले स्तरों पर हर निचले स्तर पर खरीदारी की रणनीति बनाकर चलना चाहिए। जी तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज की। फिलहाल सिलसिला बाजार का बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यही बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर।